जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान की शरण में रहने से साधक को बड़ी शक्ति मिलती है, फिर उसमें दुर्गुण दुराचार रह ही नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य की सन्निधि में रहने वाले के पास शीत और अंधकार फटक नहीं सकते, उसी प्रकार जिसके हृदय में श्री भगवान विराजमान हैं उसके पास दुर्गुण नहीं आ सकते। यही नहीं, जिस तरह सूर्य के आश्रय से अनायास ही गर्मी और प्रकाश प्राप्त होते हैं, वैसे ही भगवान के आश्रय से भी स्वतः ही सद्गुण और सदाचार की वृद्धि होने लगती है। भगवद आश्रय का सुदृढ़ निश्चय होने पर ही ऐसा होता है। ऐसे शरणागत भक्त को यदि कभी किसी दुर्गुण से बाधा होगी भी तो उसके हे नाथ ऐसा पुकारते ही वह दुर्गुण दूर चला जाएगा। यदि निर्भरता की कमी के कारण कभी ऐसा जान पड़े कि हमारे हृदय में कोई कुविचार प्रवेश करना चाहता है तो हमें कातर स्वर से हे नाथ पुकारना चाहिए। प्रभु का आश्रय लेने से चिंता, भय, शोक एवं सब प्रकार के दुर्गुण दुराचार मूल सहित नष्ट हो जाते हैं तथा सद्गुण, सदाचार एवं शांति आदि का स्वतः ही विकास होता है। इन सारे गुणों की प्राप्ति भगवत शरणागति से हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। ये सब तो भगवान के प्रेमियों के संग से भी प्राप्त हो सकते हैं। जो पुरुष भगवत कृपा के रहस्य को समझ जाता है उसमें दया, गंभीरता, शांति और सरलता आदि सद्गुण स्वयं ही आ जाते हैं। उसके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ने लगता है तथा दृष्टि में सर्वत्र समता का साम्राज्य छा जाता है। हम लोग भगवान के दर्शन के लिए बहुत उतावले रहते हैं, परंतु कभी अपात्र को दर्शन नहीं होते। यदि हम पात्र होंगे तो हमारे सामने प्रभु अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए अनन्य प्रेम की आवश्यकता है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे यदि कहीं भगवत चर्चा या भगवन नाम कीर्तन सुनते हैं तो उनकी बड़ी विचित्र अवस्था हो जाती है। जैसे कामिनी के नूपुरों की झनकार सुनकर कामी पुरुष के हृदय में काम जागृत हो उठता है, वैसे ही यदि प्रेमी के कानों में भगवन नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ जाती है तो वह प्रेम में विभोर हो जाता है। वह यदि किसी भगवत रसिक महापुरुष के दर्शन कर लेता है तो उसके नेत्र गुलाब के फूल की तरह खिल उठते हैं और उनसे झरझर अश्रुपात होने लगता है। हम लोग तो प्रेम का केवल नाम लेते हैं, असली प्रेम तो दूसरी ही चीज है। वह सर्वथा अलौकिक और अनिर्वचनीय है। उस तक मन और वाणी की पहुंच नहीं है। बुद्धि भी उसका स्पर्श तो करती है परंतु पूरा पता नहीं लगा सकती। जय श्री राधे। जय श्री